आज सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास हमको जो हमारे खुफिया से बातें मिली थी, जो हमारे लोग रहते हैं उनसे, कि बाबा शिवनी से एमपी से कुछ बैल जो नर है जानवर जो नागपुर की तरफ कत्ल के लिए लेके जा रहे हैं, उनको ठूस के भरा है गाड़ी में, ऐसे आपको बातें मिली थी। हमने 2-3 हमारी टीम्स बनाई, हमारे डीबी स्टाफ वगैरह और बीट मार्शल्स वगैरह बाकी ऑफिसर्स और सब हम में गए। जो हमारा ये कौन सा पुल है, लेगा पुलिया जो है, लेगा पुलिया के पास हमने वो जो कंटेनर था उसको पकड़ा, वो चेक किया तो उसमें 30 जानवर हमें मिले। 2 जानवर उसमें से अधमरे इसमें थे, तो हमने एक उनके साथ में और एक स्कॉर्पियो भी थी, वो भी हमने ताबे में लिए। टोटल हमने 6 आरोपी को ताबे में लिया है और जो 30 जानवर थे उनको सुरक्षा की दृष्टि से हमने भंडारा की गौशाला में सुरक्षित पहुंचा दिया है। बाकी 2 गाड़ियां जब्त की, एक स्कॉर्पियो और एक कंटेनर हमने जब्त किया है। इनके खिलाफ हमने 220 नंबर का सीआर 2023 का दाखिल किया है और प्राणी संरक्षण अधिनियम के खिलाफ तरफ और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास दिया है। 6 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है, अभी और भी इसमें 2-4 लोग मिलने वाले हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा इसमें कौन ये सब कर रहा था, इसके पीछे किसका हाथ है, ये किसके यहाँ पे कत्ल के लिए जाने वाले थे। उसमें से 2 जानवर जैसे भरे थे उसमें 2 जानवर की मौत हुई है, और वेटरनरी डॉक्टर को बुला के हमने आगे का उसका जो इंतजाम है वो भी किया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी मेन सूत्रधार तो मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन ये सब जो लोग हैं सब एमपी और यूपी से है। इसमें से शौकीन शौकीन अली करके है, मोहम्मद बेहरा करके है, राजकिशोर निषाद करके है, अरशद फईन उद्दीन करके है, मोहम्मद रिजवान वल मुनीर खान करके है और इनायत अली मोमिन अली करके है। ये सब सब रहने वाले ऊपर के 3 जो है उत्तर प्रदेश के है, बाकी के नीचे 3 जो एमपी के है। गाड़ियाँ भी दोनों जो बरामद हुई है, एक यूपी की है और एक एमपी की है। अभी इसके पीछे किसका हाथ है और किसके यहाँ पे जाने वाले थे, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, इससे आगे पता चलेगा। पूरा मिला के हमने 43 लाख का मुद्देमाल है, 43 लाख।